वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो गाइस हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी सहायता से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो गाइस जिसमें से कि हम अच्छी स्थिति को पढ़ चुके हैं और हमें पढ़ना है अब निरक्षीय स्थिति। ये दो स्थितियां बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हम इस अच्छी स्थिति को पढ़ चुके हैं, अब ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो देखिए जो निरक्षीय स्थिति है ये क्या है, तो निरक्षीय स्थिति को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है कि निरक्षीय स्थिति को इसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लेते हैं। तो ये मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है और इसका जो अल्प दूरी है इसके बीच की A और B के बीच की जो अल्प दूरी है वो है 2L। ठीक है, तो 2L को हम क्या करेंगे कि बांट देंगे अलग अलग, एक भाग L हो गया और एक इसका आधा भाग L हो गया। तो इन L L को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2L। अब देखिए ये जो AB है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो AB है, अगर हम इसका लंब अर्धक करते हैं, लंब अर्धक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A से यहाँ पे चाप लगाना पड़ेगा प्रकार की सहायता से A से, और उसको फिर मिला देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसके मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु P है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसको क्या करेंगे हम कि इससे मिला देंगे और इसको भी इससे मिला देंगे। अब देखिए जो प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आगे की होती है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते, एक अपने की ओर खींचते हैं, यहाँ इसके कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो कुछ यूं होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो E1 है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह E2 है और इसका यहाँ पे जो है इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है और इनके बीच में एंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट है, ठीक है, ई बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु पी है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी को हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको, देखिए इसको अगर दो घटक में वियोजित करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ यूं, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कुछ यूं, इसके बाद ये Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये Q2 के कारण, सॉरी E2 के कारण। ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, और ये माइनस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 है। और देखिए इसका जो रिजल्टेंट है, यानी कि देखिए ये कुछ एक तरह से क्या बन जाएगा, मेरा एंगल बन जाएगा। ठीक है,
तो गाइस देखिए, इसमें जब दो घटक वियोजित करते हैं तो जो लंबवत घटक होता है वो साइन थीटा होता है और जो क्षैतिज होता है वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इस तरह से बना एंगल तो इसका भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, इवन भी, और जो ये वाला बना तो इसका भी जो आधार होगा वो इसी पर होगा, यानी इवन ए टू एक ही पर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, देखिए तो ये क्षैतिज है तो ये कॉस थीटा होगा और ये लंबवत है तो क्या होगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका इवन साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका ई टू साइन थीटा। और यहां पे जो रिजल्टेंट निकलेगा ई बराबर ये यहां पे निकलेगा ई बराबर इवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका निकल रहा है वो निकल रहा है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है। अब देखिए, इस चीज को तो आप समझ गए, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो देखिए, ये जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है ये क्या है, एक ही बिंदु पर है लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या है, विपरीत दिशा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और हमारा बचेगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। तो गाइस क्या करेंगे, ये चीज को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि E बराबर, देखिए इसको ज्ञात करने से पहले हमको एक चीज और ज्ञात करना पड़ेगा, ये जो हमारा PB है, ठीक है, PB के बीच की हमें दूरी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम आइए PB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो PB है ये आपका कर्ण है और होता क्या है कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या आप इसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार देखिए क्या है, आधार आपका क्या है, L है, ठीक है, आपका आधार, इसको आप इस तरह लिख दीजिए लंब का स्क्वायर, ये कुछ मेंटेन रहेगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लंब क्या है, मेरा लंब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें लंब जो है R दिया है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार दिया है L, तो L का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका क्या है BP, तो BP बराबर निकल गया इतना, ठीक है, जो BP जितना है उतना ही आपका क्या है AP भी है, तो इसके भी बीच की दूरी यही हो जाएगी, ठीक है, AP बराबर, यहाँ पे AP बराबर क्या हो जाएगा आपका BP, और दोनों सेम है, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, इसके जो बीच की दूरी है वो आपका निकल कर आ गया अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये भी इतना ही हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना चीज हम ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या करना है कि E1 निकाल लेना है, E1 और E2 हम निकालेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे प्लस क्यू के कारण कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया वैद्युत, ये हो गया क्षेत्र, ये हो गया तीव्रता। अब देखिए प्लस क्यू के कारण, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, पहले हम सूत्र लिख लेंगे, ठीक है गाइस, तो सूत्र होता है E इक्वल
वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट, और ये किसी परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है, के क्यू अपान आर का स्क्वायर। ये क्या है, मेरा सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से हम ईवन को निकाल लेंगे, तो ये ईवन बराबर हो जाएगा आपका वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट के, और इसके बाद क्यू अपान, अब इसके बीच की जो दूरी है ईवन के बीच की दूरी, तो देखिए बीपी जो है इसके बीच की दूरी है, तो ये अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसको ही क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो बीपी की दिशा में है, ये आगे की दिशा में, तो बीपी की दिशा में ये इक्वेशन इसको मान लेंगे फर्स्ट बीपी दिशा में। ये हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है E2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, E2 यहाँ पे E2 माइनस क्यू के कारण लिख देंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण भी जो सूत्र है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका E2 बराबर हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट के, इसके बाद क्यू अपान, इसके भी बीच की जो दूरी है एपी के बीच की दूरी क्या है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी दूरी सेम है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें जो बिंदु पी पर परिणामी निकालना है, तो परिणामी के लिए हम क्या करेंगे, परिणामी के लिए आप क्या करेंगे, ई बराबर लिख देंगे यहाँ पे बिंदु पी पर, पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे देखा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये परिणामी इस पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 की वैल्यू रख देंगे और E2 की वैल्यू रख देंगे, E1 की वैल्यू यहां से रखेंगे, रख देते हैं वन पान फोर पाई एप्साइलन नॉट के, इसके बाद क्यू अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट के, ये E2 की वैल्यू है, इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, ये चीजें हमारा हो गया, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है,
यानी इन चीजों को कॉमन दोनों को कर लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा इसमें भी बचेगा और कॉस थीटा उसमें भी बचेगा। यहाँ से देखिए अब कॉमन ले लेते हैं, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या मेरा ई इक्वल यहाँ पे क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हम ये बीच की दूरी भी कॉमन ले लिए, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीजें हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इसमें बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये चीज बचा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, इसको देखिए हम कर देंगे यहाँ पे ई इक्वल क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा यहाँ पे है तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से हम क्या निकालेंगे। अब देखिए गाइस कॉस थीटा के लिए हम इसमें माइंड लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे के कर्ण, यहाँ से दिखा दे रहे हैं आपको कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण, ये होता है। अब देखिए इसमें आधार क्या है और कर्ण क्या है, देखिए आधार जो है वो यल है, यहाँ पे आधार इसका एल है और इसका जो कर्ण है वो है आर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो इसको हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर आधार क्या है एल है और कर्ण क्या है आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट, तो कॉस थीटा बराबर एल अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हमें पुट कर देना है। तो देखिए ये चीज हो गया, अब इसके बाद हम इधर का इरेज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं जगह है, तो हमने क्या निकाला E इक्वल निकाली हमने Q अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज हमने निकाल रखा है। इसके बाद यहाँ भी क्या बचा टू कॉस थीटा, ये चीज देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू है यहाँ हमने निकाल चुका है, कॉस थीटा इक्वल एल अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो गाइस इस कॉस थीटा की जगह पे इसको हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ई इक्वल क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद टू यहाँ पे इसको रख देंगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से पुट करेंगे एल अपन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ से एल ऊपर हो जाएगा आपका और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है गाइस एक चीज ये देख लीजिए आप, हमें यहाँ पे मिल जा रहा है टू क्यू इंटू एल अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के,
और इसके बाद ये चीजें देखिए कि अगर आप अंडर रूट की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। आप यहाँ पे समझ सकते हो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है और स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी है तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर पे 1/2 आधार, ये हो गया 1/2। और यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है गाइस। और हम जानते हैं ये 2QL जो है ये वैद्युत ध्रुव है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं हम कि P बराबर होता है 2QL, ये क्या है वैद्युत ध्रुव, ये क्या है वैद्युत ध्रुव, यानी यहाँ पे 2QL है, इसके जगह पे वैद्युत ध्रुव P रख देंगे। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव कहते हैं, जिसको P से दिखाते हैं, तो हम 2QL की जगह पे क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका बन जाएगा E इक्वल 1/4πε0 K। अब इसके बाद इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, P, और ये P है, ठीक है, ये P हो गया अपान, और यहाँ पे क्या बचा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, फिर एक तो और बचा हुआ है आपका R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर के पावर 1/2। अब देखिए हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है, गुणा में धातें जुड़ जाती हैं, तो देखिए यहाँ पे इसके पावर पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और इसके पावर पे 1/2 है, तो ये देखिए चीज़ें सेम है तो इसकी जो पावर होंगी वो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे हम डेमो दिखा रहे हैं कि 1 + 1/2 को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो r का स्क्वायर प्लस l के स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 1, और इसको जोड़ देंगे। अगर इसको आप डिटेल समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हो, 1/4πε0 के P/r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, देखिए इसकी पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है प्लस 1/2। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1/4πε0 के, इसके बाद P/, ये हो जाएगा आपका, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे तो 3/2 आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो L है, ठीक है, L जो है वो R की सापेक्ष बहुत छोटा है, L इज लेस देन R, या आप कह सकते हो R इज ग्रेटर देन L, या आप कह सकते हो R इज लेस देन L, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो R है वो L से क्या है काफ़ी बड़ा है, और जो L है वो R से काफ़ी छोटा है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्टेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि L, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि R इज ग्रेटर देन L, तो इसको L को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो गाइस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या है, L इज लेस देन है R की अपेक्षा, यानी R से L क्या है बहुत छोटा है, नेग्लेक्टेड है, तो हम L को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो E बराबर मेरा क्या आ जाएगा, E इक्वल 1/4πε0 के, और यहाँ पे P/, अब देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
आर का स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू से टू क्या हो गया, कट गया। तो मेरा आया क्या, यहाँ पे आ गया आपका वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान, और यहाँ पे थ्री बचा है तो आर का क्यूब, ये हो गया आपका। और यहाँ पे के बराबर हम निर्वात अथवा वायु के लिए क्या रख देंगे, वन रख देंगे। तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ई इक्वल वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा पी अपान आर का क्यू। ठीक है गाइस, ये हो गया। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर तो ये रहा आज का मेरा निरक्षीय स्थिति। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा आज का वीडियो। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।